टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बेगमगंज के अभयपुर का है। लड़की के पिता राम यश ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। बताया कि 8 दिन पहले ही उनकी लड़की ने एक लड़की को जन्म दिया था। दहेज के लिए पहले से ही इसे प्रताड़ित किया जा रहा था और लड़की पैदा होने के बाद प्रताड़ित किया जाना और बढ़ गया, मगर अब फांसी के फंदे पर विवाहिता का लटकता हुआ शव मिला। विवाहिता के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में इसकी शिकायत भी की है और शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मृतका के पिता राम यश और अपर पुलिस अधीक्षक शिवराम ने क्या कहा है, सुनिए। अभी किन किन किसके किसके ऊपर आपने आरोप लगाया है सर? सर सहदेव हैं, उनके लड़के हैं जिसके साथ शादी हुई है, अनिल कुमार और अनिल कुमार की माता लड़की की सास राजकुमारी। आपका इन पे शक है? इन पे शक है सर। शादी हुए कितने दिन हुए? सर 2 साल हुए। 2 साल हो गए। घटना से पहले आपके लड़के साथ कोई ऐसी घटना? हाँ, बार बार प्रताड़ित किए करते थे सर, हो रहा था तो आके समझाते थे बाद में है दहेज के लिए और उल्टा सीध गलती गंदी गंदी गाली देते थे। मांग डिमांड सर, दहेज के लिए अंगूठी नहीं पाए, जंजीर नहीं पाए, यही सब मांग डिमांड। लड़का बार बार गोली मार रहा था। ऐसा सुनने में आया कि उसके लड़की के आपके बच्ची भी है कोई है? आज 8 दिन हुआ सर बच्ची पैदा हुए, बच्ची के लिए भी सर बोल रहे थे कि दहेज भी नहीं दे पाए और लड़की के साथ मतलब सर बच्ची भी हो गई तो उस वो जो लड़की हो गई उसी के लिए उसके ऊपर और दबाव डालने लगे, प्रताड़ित करने लगे। मतलब इसका ये मामला है कि दहेज और हत्या दोनों मामला है? दोनों मामला सर। थाना उमरीगंज उमरी बेगमगंज जनपद गोंडा एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि एक 9 बच्ची जो 1 हफ्ते पहले जन्म हुआ था उसकी माँ ने जो संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा भरवा कर कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को बताया गया है, परिजनों की तहरीर पर पति और सास के विरुद्ध 498 IPC 304 IPC 3/4 DPA एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर किया गया है। यानी कि एक बार फिर दहेज की बलि एक विवाहिता चढ़ गई है, मगर पुलिस जाँच कर रही है कि क्या आखिर पूरा मामला ये है, क्या दहेज से जुड़ा है, क्या वाकई में विवाहिता की हत्या हुई है। पुलिस जांच में ही सच सामने आएगा। गोंडा से हामिद अली की रिपोर्ट, प्रहार टाइम्स।